अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम साबरा है। मैं चक नंबर 250 फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट लिया का रहने वाला हूँ। और 2018 में मेरे गुर्दों में प्रॉब्लम हो गया, फिर मैंने लिया में चेकअप कराया, फिर मुल्तान गया, फिर उसके बाद मैं लाहौर आ गया। इधर हमील तीफ हॉस्पिटल में मुझे पता चला कि डॉक्टर सुलेमान अहमद वार साहब बैठे ने, ये पहले बैठते थे जनाह में, सर के इनके जॉब था, उनसे मिला तो उन्होंने कहा अभी रिपोर्टें चेक कराई तो उन्होंने कहा कि आपके तो किडनी फेल हो गए नहीं, तो आप इसका जल्दी जल्दी कोशिश का ट्रांसप्लांट कराएं। फिर उन्होंने एक अनीस साहब लड़का था वो मेरे साथ दिया, उन्होंने मेरा एक बाग के अंदर हमीद दीप हॉस्पिटल से मेरे सारे टेस्ट रिपोर्टें कराई और मुझे डिस्काउंट भी दिया, मेरे साथ बहुत अच्छा तावन किया। तो फिर मुझे अप्रूवल लेकर दी गुवाहाटा से। फिर एक महीने के अंदर अंदर मेरा उन्होंने ऑपरेट कर दिया। 3 तारीख को मेरा ऑपरेट था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 तारीख है और मैं बिल्कुल फिट हूँ। ICU से बाहर रूम में शिफ्ट हो गया हूँ और मेरे डॉक्टर साहब जो है ने अहमद सुलेमान वारस साहब और मोहम्मद सईद अरसलान साहब, इन्होंने बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा इनका भी मिलना बहुत अच्छा है, इखलाक बहुत अच्छा है। जो हमील तीफ हॉस्पिटल का जितना भी अमला है बहुत अच्छा है और बहुत तावन करता है, जो भी छोटा स्टाफ से लेकर बड़े स्टाफ तक कोई इनसे परेशानी नहीं है। आप जिसे को भी कोई परेशानी हो, गुर्दे किडनी का मसला हो, आप इधर आएँ, इंशाल्लाह आपको इधर बहुत अच्छी सहूलत मिलेगी और बहुत अच्छा स्टाफ मिलेगा।